नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का औचक निरीक्षण, चंडीगढ़ से आई टीम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भगवंत मान को बताया नॉन सीरियस नेता। रणजीत सिंह चौटाला ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की वापसी का किया दावा। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने अपनी मांगों को लेकर किया रोष प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और अब समाचार विस्तार से। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त निदेशक विराट ने बहादुरगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का औचक निरीक्षण किया। एचसीएस अधिकारी विराट ने योजना के तहत बने मकानों की स्थिति की जांच भी की। मकानों के बारे में पूरी तरह से छानबीन को जांचा कि मकान योजना के नियम व शर्तों के अनुसार बनाए गए हैं या फिर नहीं। चंडीगढ़ से आई टीम ने लाभार्थियों से भी पूछा की और उन्होंने समय पर योजना का लाभ मिला है कि नहीं, ये भी पूछा। कुछ लाभार्थियों ने योजना की किस्त मिलने में देरी होने की बात बताई, तो इस बारे में नगर परिषद बहादुरगढ़ में योजना से जुड़े अधिकारियों से किस्तें जारी करने की देरी का कारण पूछा गया। एचसीएस विराट ने निरीक्षण के बाद कहा कि बहादुरगढ़ में पीएमएवाई योजना की स्थिति ठीक ठाक है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय पर लाभार्थियों को किस्त जारी करें। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने पंजाब में आप पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भगवंत मान नॉन सीरियस नेता है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान का कुछ नहीं पता कि वो कब क्या बोल जाएं। पंजाब के वोटर्स भी भगवंत मान को सीरियस नहीं मानते हैं और आप नेता भगवंत मान की निगरानी रखते हैं कि कहीं भगवंत मान कुछ गलत बयान ना दे दे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सिरसा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर प्रहार किए। देखिए, मेन आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा की ऐसी सीट है। पर समय एक चैनल में देख रहा था, वो बता रहे हैं कि 296 लोकसभा अगर आज की कंडीशन में चुनाव हो जाते हैं और यूपीए की 127 अदर्स की 120 लोकसभा सीट बता रहे हैं, वो भी प्रोपोर्शनल फिर स्टेट्स में चला जाता है। स्टेट में एक तो कांग्रेस से जो नवजोत सिंह सिद्धू का जो रोल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार गिरने के बाद फिर ये जो अप्स डाउन रोल कंट्रोवर्सी, कभी सुनील जाखड़ से लड़ता है, कभी कल वो तीसरे से लड़ रहा है, कांग्रेस को नवजोत सिंह सिद्धू ने बहुत डैमेज कर दिया। राहुल गांधी का कोई अपना बाहर लोगों में कोई इमेज नहीं है, पार्टी एक बिना सेनापति की पार्टी हो रही है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कहीं फाइट में है। और पंजाब का हिंदू बड़ी तकलीफ से पाकिस्तान से उठ के आया, फिर आके यहाँ बसा, फिर एक बीच में भिंडरावाला का दौर आया, बड़ा कई बार पंजाब अनस्टेबल हुआ। तो वो लोग जब नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे और सामने केजरीवाल को देखेंगे तो वो लोग समझते हैं कि हमारा बिजनेस, हम कहाँ इनसिक्योरिटी की चांस बढ़ी है, कहाँ हम ठीक रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब केजरीवाल का और मोदी का जब आपस में कंपेयर जाते हैं तो मोदी साहब को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं। मेरा अपना अंदाज है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का इनका मिलने के बाद एक बहुत बड़ी फोर्स बन के आ गया, सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे पंजाब में, लोगों को जो दिख रहा है उससे अलग चुनाव होंगे। तो बीजेपी क्या क्या वजूद देख रहे हैं? हिंदू एक तरफा बीजेपी को वोट डालेगा, पंजाब का सिनेरियो ये हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बड़ी चेंजेज हो रही है, जब से अरुणा यादव बाहर आई है उसके बाद उसका भी सारा ही ध्यान उनका, अरुणा को क्रिटिसाइज, उसे डिस्काउंट करने में लगी सारी समाजवादी पार्टी। और उत्तर प्रदेश में भी जो वेस्टर्न यूपी में जो जाट्स की अनदेखी करी गई है, आर एफ रावत टीवी में आप देखते हैं, मेरठ सदा से लोकसभा की सीट जो चरण सिंह की रही है, वहाँ 4 सीट पे बीजेपी है, 1 पे जाट को दिया है, तो सारा ही फेरबदल हो गया। देखिए, भगवंत मान नॉन सीरियस आदमी है, उसे वोटर भी उसे सीरियस नहीं ले रहे, जिन्होंने आगे बनाया वो भी समझते हैं कि ये पता नहीं क्या बोल जाए, उसकी निगरानी करते हैं कि ये कुछ फालतू ना बोल जाए। तो मैं नहीं समझता कि देखिए बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के आगे या सुखबीर बादल के बराबर कहीं कोई मैच हो, नॉन सीरियस आदमी है।
फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों में मिले मृत गायों के जखीरे से वन विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। इलाकों की निगरानी के लिए वन विभाग में बकायदा फॉरेस्ट गार्ड होता है, इंस्पेक्टर होता है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर होता है, जिला वन अधिकारी होता है और तमाम टीम भी मौजूद होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वन विभाग के किसी भी अधिकारी को इतने बड़े स्तर पर किए जा रहे अवैध गोरख धंधे की खबर नहीं लगी होगी? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? अब या तो वन विभाग या दूसरे संबंधित विभाग के अधिकारी काम नहीं करते या फिर सब मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा था विभाग के लिए। वहीं पे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सूरजपाल अम्मू ने मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ एक कमेटी का गठन कर जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। हालांकि इस मामले में खबर चलाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ठेकेदार करजन और उसके चार साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुझे इस बारे में सूचना कल मिली थी तो उसके बारे में मैंने स्टाफ को डायरेक्शन इश्यू कर दिया था कि इसमें सारी जांच करके मेरे को रिपोर्ट सबमिट करें, तो जैसे ही रिपोर्ट सबमिट होगी उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती होगी उन पर हम कार्रवाई करवा देंगे। अब बट हमारे पास ऐसी कोई भी परमिशन टाइप से नहीं है कि इस टाइप से ये लाइन इसको यूज इस टाइप से कर सकते हैं। अभी कोई जानकारी मिल पाई कब से ये लोग कर रहे थे इस काम को वहां पर? नहीं, अभी मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं आई। जानकारी किसी सोशल एक्टिविस्ट ने मुझे कल दी थी तो उसके बेसिस पे मैंने डायरेक्शन इश्यू की थी इसकी इंक्वायरी की, बट अभी मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो सर संबंधित जो इंस्पेक्टर या जिसकी ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई होगी, फॉरेस्ट गार्ड भी होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में ये गायों का जखीरा मिला वहां मृत होगा, तो एक दिन में तो इकट्ठा हुआ नहीं है, तो जिसकी ड्यूटी लग रही है जो इंस्पेक्टर होगा या फॉरेस्ट गार्ड होगा उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इतने नंबर इतनी संख्या में अगर है तो हम उनको नोटिस इश्यू करेंगे, वो अपना जवाब देंगे कि क्यों उनकी कोताही करते हुए में कोताही हुई है। अगर वो संतोषजनक नहीं पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर एक्चुअल में ये इतने नंबर में जो आप बता रहे हैं वो है तो जो संबंधित जो अधिकारी जो हैं आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंचार्ज वगैरह जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया में गश्त करना, उनको नॉलेज होनी चाहिए थी। अगर उनको इस टाइप की नॉलेज नहीं है तो उसके ऊपर हम जरूरी कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं अगर मिली भगत पाई गई तो सर क्या कार्रवाई? वो तो और सीरियस ऑफेंस है अगर मिली भगत है तो। अगर इग्नोरेंस है तो डिफरेंट मैटर है, अगर मिली भगत है तो डिफरेंट मैटर है। तो उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे जो भी इसमें सच्चाई सामने आएगी। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हुआ है या जो भी वन विभाग के अधिकारी या नगर निगम के अधिकारी इसमें संलिप्त हैं या इस प्रकार की हरकतों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शीघ्रता से होनी चाहिए। मैं कमिश्नर नगर निगम से अनुरोध करूंगा और कमिश्नर पुलिस से भी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के DFO से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर संज्ञान लें। अगर क्योंकि ये विषय गायों से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार की हरकतें करना निश्चित तौर पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और लापरवाही भी है। और अगर इस प्रकार के गलत कार्य अगर ठेकेदार कर रहे हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो निश्चित तौर पर विषय गंभीर है। मैं अनुरोध करूंगा और चेतावनी भी दूंगा उन अधिकारियों को कि या तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, इनको तुरंत गिरफ्तार करें, अन्यथा उनका क्या होगा ये वो भी जानते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री इस विषय पर बेहद गंभीर है, निश्चित तौर पर इस पर सख्त कार्रवाई होगी। किसानों के लिए लगातार बढ़ रही यूरिया खाद की किल्लत को देखते हुए जहां एक तरफ कृषि विभाग ने कुछ दिन पहले यमुनानगर में अवैध खाद पकड़ा और उसके बाद उसकी चोरी भी हो गई, तो वहीं पर अब यमुनानगर के जोड़ियों के पास हरियाणा फर्टिलाइजर के गोदाम पर किसान जब खाद लेने गए तो उन्होंने खाद देने से मना कर दिया। लेकिन जब किसानों ने मिलकर इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया तो मौके पर कृषि विभाग के कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया और भारी संख्या में किसानों ने मिलकर खाद विक्रेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कृषि विभाग की ओर से पहुंचे अधिकारियों ने खाद के स्टॉक की जांच की तो बिल व अन्य दस्तावेज समय पर ना मिलने की वजह से किसानों को खाद दिलवाया गया और जांच करने की बात कही गई। में छूट, किसान तो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं और इनके पास बिल भी नहीं है। सुबह से किसान खड़े हैं, एक कट्टा किसान को नहीं, और आप देखो अंदर गड्डी खड़ी है बिना नंबर प्लेट की और उसमें खाद पड़ा है जो खाद सप्लाई करती है। कहां सोया प्रशासन? कोई कार्रवाई नहीं उस पे गड्डी पे भी। एक मोटरसाइकिल का तो चलान काट दिया जाता है हम आदमी की गरीब की का, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट जो करते हैं खाद फैक्ट्रियों में जाता है उस पे कोई कार्रवाई नहीं। ये लापरवाही है प्रशासन की। अभी जो विभाग के अधिकारी आए हैं कृषि विभाग के, उनका क्या कहना है? वो भी तो अंदर जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। क्या मामला हुआ था, किस वजह से मामला? यहाँ गोदाम में खाद पड़ा है, जब जिम्मेदार खाद लेने के लिए उनको साफ जवाब दे दिया कि खाद नहीं है। अगर खाद लेना तो एक कट्टे के साथ सल्फर भी लेनी पड़ेगी। तो खाद देने से जब जवाब कर दिया तो यहाँ किसान इकट्ठे हुए और सरकार
जो कर्मचारी आए सरकारी उनके कहने पे भी गोदाम नहीं खोला गया, दो घंटे तो गोदाम नहीं खोला। जब प्रशासन का दबाव पड़ा यहाँ किसान इकट्ठे हुए तब जाके गोदाम दिखाए गए हैं, पूरी लूट है। ये हिंदुस्तान फर्टिलाइजर नाम से है जो हमारा लाइसेंसी है, ठीक है, और इसके पास जो आ रहा है इसमें भी डॉक्यूमेंट हम चेक कर रहे हैं, इसके मौके पे है लाइसेंसी भेज रहा है हमारा। जैसे होगा खाद का जहाँ किसानों की बात की, वो कह रहे भी खाद मेरा खाद मौके पर खड़े हैं, वो कहते पड़े कह रहे मिल रहा खाद, कोई दिक्कत नहीं, वो रखता मेरी कोई दिक्कत होगी थी, मेरे परेशानी थी, मैं चला गया था उस टाइम। तो आगे विभाग द्वारा जांच की जा रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी, कहीं भी कोई गलत मिलेगा तो तुरंत उसकी एक्शन लेगा। तो आज जो किसान है उनको खाद दिलवा दिया गया है? हाँ, खाद कोई किसान को कोई नहीं, अगर खाद वो ले रहे हैं किसान मौके पे। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर इंद्री में रोष प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय के बाहर तहसीलदार के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। आंगनवाड़ी वर्कर्स का यह प्रदर्शन इंद्री के एमएलए के निवास पर किया जाना था, लेकिन एमएलए रामकुमार कश्यप के बेटे के निधन के कारण आंगनवाड़ी वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन का कार्यक्रम बदलकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर्स इंद्री स्थित अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए और वहां पर से रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सड़क पर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, और जैसे ही आंगनवाड़ी वर्कर्स एसडीएम कार्यालय के बाहर पहुंची तो पुलिस ने एसडीएम कार्यालय को चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, जिस कारण प्रदर्शनकारी एसडीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाई। बैरिकेड पर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की हुई थी, पुलिस की कई गाड़ियां और पानी की बुछारे करने वाला वाहन भी तैनात किया हुआ था, और इस कारण आंगनवाड़ी वर्कर्स ज्ञापन देने के लिए रोष प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर करनाल यमुनानगर मार्ग पर बीच सड़क में बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना गुस्सा जताया। जो प्रदर्शन है हमारा, ये आज हमने यहाँ पे पहली बार देखा है ऐसा, हम प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, जिस दिन से धरने आंदोलन, जिस दिन से संविधान बना है, जिस दिन से अधिकारों के लिए लड़ते हैं, सड़कों पे ऐसे ही लड़ते हैं, लेकिन आज ये इंद्री में पहली बार हमने देखा कि एसडीएम के जो गेट हैं, जो ऑफिस दफ्तर के हैं, वो बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पे बैरियर लगा दिए गए हैं। ये जनता की प्रॉपर्टी है, हम पूछना चाहते हैं एसडीएम के यहाँ से, डीएसपी है जो यहाँ का, एसएचओ है जो यहाँ के, भाई ये किसी की बाप दादे की जागीर है के? ये हमारी जनता की प्रॉपर्टी नहीं है क्या? हम इसके अंदर जाके अपना ज्ञापन नहीं दे सकते क्या? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से। नहीं, आप लोगों ने और भी ज्ञापन दिया है वहाँ का? कहीं भी ऐसे तो कहीं भी नहीं, हम डीसी साहब को डेली ज्ञापन देते हैं, कोई दिन जाता होगा जो हमारे धरने प्रदर्शन करनाल में नहीं होते होंगे, ऐसे तो बैरिकेड किसी ने भी नहीं लगाए जैसे यहाँ पे इन्होंने बैरिकेड। आप लोगों से डरे हुए थे या? हमारे को तो यही लगता कि हमारे से डरते हैं, इसका तो यही तात्पर्य और क्या है, और हमारे पास क्या है जिससे ये हमारे डरते हैं। पिहोवा गांव बटेड़ी के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन जांच में जुट गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि डांड की तरफ से आ रहा है एक लोडेड ट्रक और पिहोवा की तरफ से जा रहे दोनों व्यक्ति की आमने सामने की टक्कर हो गई, इसमें दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई, और सीसीटीवी कैमरे की मदद से प्रशासन को यह पता चला कि आमने सामने की टक्कर के कारण ही यह दर्दनाक हादसा हुआ, और दोनों व्यक्तियों की जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे दोनों की ही मौत हो गई। दोनों ही व्यक्ति पिहोवा के रहने वाले थे। प्रशासन के अधिकारी का कहना है कि आजकल धुंध ज्यादा पड़ रही है, इसलिए सोच समझकर ड्राइविंग करें ताकि आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो। कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि गांव टेडी के पास कोई एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे थे दो लड़के और वो सड़क पे पड़े हैं एक चढ़ में। उसी सूचना पर मैं अपनी टीम लेकर मौके पहुंचा तो वहां जाकर देखा दो लड़के गंभीर अवस्था में थे, एम्बुलेंस बुला के उनको यहाँ पे अस्पताल में भेजा। यहाँ डॉक्टर साहब ने देखा तो डेड घोषित कर दिया दोनों लड़कों, दोनों पेवे के रहने वाले लड़के हैं जिनकी मौत हुई है, मैं करीब 20-22 साल की उम्र के हैं, और आसपास के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी है, वहाँ एक सिलेंडर है, सिलेंडर में लग रहा था सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें फुटेज में देखने से पता चला कि भी इनकी भिड़ंत एक ट्रक से हुई है, एक ट्रक दो ट्रक आ रहा है डांड की तरफ से पेवा की तरफ, और ये दोनों लड़के बाइक पे पेवा से डांड की तरफ जा रहे थे, तो वहाँ इनकी आमने सामने की टक्कर हुई है, तो अभी इनके वारिस आ गए हैं, वारिसों के बयान लिख के एफआईआर दर्ज कर दें और आगे नियमानुसार कार्रवाई में लाई जाएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है, और शुक्रवार रात को ही हिसार व उसके आसपास के एरिया में मौसम में काफी बदलाव देखा गया। रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा,
इसके अलावा दक्षिण पूर्वी हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। हवा की रफ्तार तेज होने के कारण कोहरा जम नहीं पाया है, जिसके कारण दृश्यता साफ रही। वहीं आज फिर से अचानक मौसम बदला और हिसार व आसपास के एरिया में बारिश जारी है। जनवरी में पांचवी बार हो रही बारिश के कारण मौसम में लगातार नमी बनी हुई है, जिसके कारण सरसों की फसल को नुकसान होने का अंदेशा बढ़ गया है। हिसार में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया में किसानों ने सरसों की फसल की बिजाई की हुई है और इसके अलावा ओलावृष्टि की आशंका ने भी किसानों को चिंता में डाल दिया है। मौसम विभाग ने बारिश के बाद अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई है। सोमवार से मौसम सामान्य रहने, बादल वाई छोटने व सूरज चमकने का अनुमान है। कलायत नगर के कैंची चौक पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सेवकों ने कोरोना महामारी को मात देने के लिए मास्क बांटे। डेरा सच्चा सौदा प्रेमियों ने कहा कि राम रहीम का संदेश है कि मानवता की सेवा करना ही प्रथम धर्म है। मास्क से कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। सेवकों का कहना है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए ही मास्कों का वितरण किया गया है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।